तो भाई लोग आज इंटरव्यू सीरीज़ की जो अपनी तीसरी वीडियो है वो ये होने वाली है कि प्रिमिटिव वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो जावा में दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल्स, दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो ये कि वेरिएबल्स क्या होता है। अगर किसी ने अभी तक नहीं समझा है और किसी को जावा भी नहीं पता है और कोई सीधा ये वीडियो देख रहा है, तो सबसे पहले तो वो ये समझ ले कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल कुछ नहीं होता है, एक प्रकार का कंटेनर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, क्या होता है, कंटेनर होता है इस तरीके से, जो कि क्या होल्ड करता है, वो होल्ड करता है वैल्यू को। ठीक है, जैसे तुम्हारा डेली लाइफ में तुम्हारे पास कई सारे कंटेनर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। लेट सपोज अभी तुम जिस लैपटॉप पे पढ़ रहे हो वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तुम्हारे बगल में जो पेन स्टैंड रखा हुआ है, लेट सपोज वो क्या है, एक तरह का कंटेनर है और उसके अंदर कई सारी वैल्यूज़ पड़ी हैं, इसका मतलब कई सारे पेन्स पड़े हैं, मार्कर पड़े हैं, और वो कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा तुम्हारी टेबल में अगर रखा है तो। ठीक है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के अंदर हम लोग क्या असाइन करते हैं, नंबर्स असाइन करते हैं। ठीक है, नंबर्स असाइन करते हैं या फिर किसी भी तरह का डेटा को असाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, कंटेनर के अंदर हम लोग क्या असाइन करते हैं, किसी भी तरीके का नंबर या डेटा। तो वेरिएबल इज़ नथिंग बट इट्स अ कंटेनर विच होल्ड्स अ वैल्यू एंड ऑल्सो टेक्स सम पार्ट ऑफ अ मेमोरी टू स्टोर इट। ठीक है, तो लेट सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर जावा में कई तरीके के डेटा टाइप होते हैं और उन और कई तरीके के डेटा टाइप से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अब एक सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो लेट सपोज एक एग्जांपल तुम लोगों को बताते हैं। लेट सपोज जैसे कि ये int a है ये। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का कंटेनर है ये। ठीक है, लेट सपोज ये फिर से समझो, लेट सपोज ये int क्या है, ये एक कंटेनर है लेट सपोज। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा पेन स्टैंड है, तो पेन स्टैंड क्या है, कंटेनर है। ठीक है, वो कंटेनर जो है, कंटेनर का कुछ ना कुछ टाइप होगा, मतलब जो तुम्हारा कंटेनर है वो क्या होल्ड करता है, पेन स्टैंड होल्ड करता है कि उसके अंदर तुम स्नैक्स रखते हो, कि उसके अंदर तुम अपनी स्टेशनरी रखते हो, कुछ भी रखते होगे, वो जो कंटेनर है उसका कुछ ना कुछ एक टाइप होगा। ठीक है, और उस टाइप से ये पता चलता है कि उस कंटेनर के अंदर तुम क्या स्टोर करने वाले हो। तो वैसे ही हमने अपने कंटेनर का ये टाइप यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि हमारे कंटेनर का टाइप होने वाला है इंटीजर। उसके बाद कंटेनर का नेम क्या होगा, ये क्या है, नेम ऑफ कंटेनर। ठीक है, नेम ऑफ कंटेनर मतलब कंटेनर का नाम क्या है। अगर जैसे पेन स्टैंड होता है तो उसको हम लोग पेन स्टैंड बोलते हैं। अगर हमारे पास नाश्ते का डिब्बा होता है तो हम लोग उसको स्नैक्स बॉक्स बोलते हैं। अगर हमारे पास मेडिकल का डिब्बा होता है तो उसको हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेडिकल, देखो डिब्बे तो तीनों हैं। ठीक है, लेकिन मेडिकल का डिब्बा किस लिए यूज़ होता है, मेडिकल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, पेन स्टैंड किस लिए स्टोर होता है, पेन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग के पास एक यहाँ पर नेम है जो कि हमारे कंटेनर का नेम है ए, और उसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर कर दी, लेट सपोज 10। ठीक है, तो ये int क्या हुआ, ये हमारे कंटेनर का नाम हुआ। ठीक है, ये int क्या हुआ, ये हमारे कंटेनर का नाम हुआ। ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया होगा कि कंटेनर क्या होता है, नेम क्या होता है, कंटेनर का नाम क्या होता है, और उसके अंदर रखा ये क्या है, डेटा है। ठीक है, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास कई तरीके के टाइप के कंटेनर हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डेटा टाइप। ठीक है, डेटा का टाइप, जैसे कि इसको बोलते हैं कंटेनर टाइप। ठीक है, और ये हमारे कंटेनर का वेरिएबल, मतलब हमारे डेटा का वेरिएबल होगा ये। ठीक है, तो अब सीधा आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कई तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, लेट सपोज यहाँ सबसे पहले है तुम्हारा कैरेक्टर, उसके बाद सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पर कैरेक्टर के बाद है बाइट, फिर शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल बूलियन। अब ये करेक्टर जैसे बाइट ये सब हैं, ये कुछ ना कुछ किसी मतलब ये कुछ ना कुछ बाइट स्टोर करते हैं। करेक्टर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है।
बाइट कितने बाइट का होता है, वन बिट्स मतलब 8 bytes, वन बाइट का होता है। ये बाइट क्या है, डेटा टाइप का नाम है, और ये बाइट कितनी लेता है मेमोरी में स्टोर होने के लिए, 1 bit, ठीक है। तो 1 byte इक्वल्स टू 8 bits, मतलब ये 8 bits ऑफ मेमोरी लेता है इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मिला के क्या हो गया, 8 bits हो गया, ये 8 bits इक्वल्स टू 1 byte, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बाइट का करेक्टर का इस तरीके से। करेक्टर की रेंज क्या होती है, करेक्टर वेरिएबल है अगर मान लो तुम्हारा, तो वो इतनी रेंज में स्टोर कर सकता है। बाइट वेरिएबल है तो वो इसकी रेंज ये होगी, -128 से लेकर के माइनस का 128, माइनस का 127, ऐसे लेकर के प्लस के 127 वैल्यू तक वो स्टोर कर सकता है। इसी तरीके से ये इंटीजर की रेंज है, लॉन्ग की रेंज है, ये फ्लोट की रेंज है। ये तुमको जो चीज़ याद रखनी है वो ये बस इतनी याद रखनी है कि कौन सा डेटा टाइप कितनी बाइट लेता है स्टोर होने के लिए मेमोरी में, ठीक है। बस इतना तुम्हें याद रखना है, करेक्टर लेता है 2 byte, बाइट लेता है 1 byte, शॉर्ट लेता है 2 byte, इंटीजर लेता है 2 byte, लॉन्ग लेता है तुम्हारा 8 byte, फ्लोट लेता है 4 byte, डबल लेता है 8 byte, बूलियन लेता है 1 bit, ठीक है। तो अब ये हो गया तुम्हारा डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल को, ठीक है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले जैसे कि अगर int age equals to ये 10 है, तो ये int क्या हुआ, डेटा टाइप का नाम हुआ, ठीक है, डेटा टाइप हुआ। उसके बाद ये डेटा टाइप हो गया, ये क्या हुआ, ये तुम्हारा वेरिएबल हुआ, वेरिएबल का नाम हुआ। इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको असाइन कर दो इसमें, राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको असाइन कर दो इसमें। तो राइट साइड में ये जो वैल्यू है 10 असाइन हो गई। अब क्या होगा मेमोरी में, लेट सपोज ये अभी तुम्हारे, एक चीज़ और भी है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो कौन सी मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, स्टैक मेमोरी में, ठीक है। तो जब भी तुमने int age equals to 10 लिखा, तो लेट सपोज ये तुम्हारी स्टैक मेमोरी होगी, एक फ्रेम क्रिएट होगा सबसे पहले, और ये a equals to 10 जो है वो स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से करेक्टर c equals to a, तो एक और फ्रेम क्रिएट होगा और c equals to a स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फ्लोट वेर इक्वल्स टू 4.5f, तो इस तरीके से ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम तुमको सीधा कुछ चीज़ें करके भी दिखा देते हैं प्रोग्राम से, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर मेन टू करके एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, और लेट सपोज हमने यहाँ पर लिखा int a इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो हमें a की वैल्यू दिख जाएगी, ठीक है, ये दिख गई हमें a की वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग लेट सपोज यहाँ पर लिखते हैं कैर c इक्वल्स टू a, ठीक है, और अगर हम c को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू दिख जाएगी करेक्टर की। अब ये सब तो ठीक है, ऐसा ही हमारा पास बूलियन होता है। बूलियन में अगर हमने समझ लो बूल एक वैल्यू ले ली और उसके अंदर स्टोर कर दिया फॉल्स, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, बूल की जगह यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा फॉल्स, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कुछ हमारे पास पॉइंट वेरिएबल्स होते, पॉइंट डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, फ्लोटिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होगा, फ्लोट f इक्वल्स टू 4.5, ठीक है। अब ये लेकिन एरर क्यों आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट पहले तो कितनी बाइट लेता है, फ्लोट लेता है 4 byte, ठीक है, और एक वेरिएबल हमारे पास और होता है, एक मतलब डेटा टाइप हमारे पास और होता है डबल, जो कि लेता है 8 bytes, ठीक है। तो फ्लोट और जो तुम्हारे डबल टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, ये जो फ्लोट और डबल है, ठीक है, हम बता देते हैं इधर, ये जो फ्लोट और डबल है ये कैसे डेटा टाइप, ये किस तरीके का डेटा स्टोर करते हैं, डेसिमल का डेटा, जो तुम्हारे पॉइंट वाले नंबर होते हैं ये उस तरीके का डेटा स्टोर करते हैं। इंट और लॉन्ग किस तरीके का स्टोर करते हैं, नॉर्मल वाला डेटा, जिस बिना पॉइंट का नंबर स्टोर करते हैं। तो अभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर 4.5 तुमने लिखा तो ये डबल में क्यों नहीं असाइन हो रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा 4.5 क्या है, डबल टाइप का है, ठीक है। अब अगर एक बात सोचो, तुम्हारा ये जो तुम्हारा फ्लोट वेरिएबल है, लेट सपोज फ्लोट f इक्वल्स टू 4.5, ठीक है, फ्लोट की कैपेसिटी कितनी होती है, 4 byte की होती है।
तुमने यहाँ लिखा है 4.5F, ये समय पता है कितने बाइट का है? ये 8 बाइट का है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी फ्लोटिंग वैल्यू होती हैं, डेसिमल वैल्यू, वो डबल टाइप की होती हैं, ठीक है। तो मतलब इस समय ये जो डेटा है ये किस बाइट का है? 8 बाइट का है। और ये कौन सा डेटा है? ये डबल टाइप का डेटा है, ठीक है, डबल टाइप का डेटा है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भैया हम फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद लेट सपोज तुम अगर प्रिंट करते हो इसको, तो ये तुम्हारा प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अब अगर तुम सोच रहे हो कि हम प्रूफ कैसे करें इसको कि ये जो 4.5 है, सॉरी ये जो यहाँ पर जो एफ़ है, ये पहली बात तो ये एफ असाइन नहीं हो रहा, एरर आ रही। क्या बोल रहा है? रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए फ्लोट, तुमने प्रोवाइड किया डबल। इससे ये प्रूफ होता है कि अगर कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू लिखते हो, डेसिमल वैल्यू, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट वैल्यू लेती है, डबल वैल्यू होती है वो, ठीक है। और डबल होता है 8 बाइट का, फ्लोट होता है 4 बाइट का। 8 बाइट में 4 बाइट, सॉरी 4 बाइट में 8 बाइट नहीं स्टोर हो सकती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये है 4 बाइट और ये है 8 बाइट। अब ये 8 बाइट किस तरीके से 4 बाइट में स्टोर होगा, इसलिए एरर आ रही है। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये भैया हमारी फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 4.5F, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 4.5F, ताकि पता चल जाए कि फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। अब अगर लेट सपोज हम डबल की बात करें, डबल डी इक्वल्स टू 4.5, तो इस केस में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 4.5 वैल्यू जो है ये भी डबल टाइप की है, मतलब 8 बाइट की है, और ये जो वेरिएबल बनाया है हमने ये भी 8 बाइट का है, ठीक है, इसलिए कोई इशू नहीं आया है यहाँ पर। तो ये देखो ये भी 4.5 है। अब अगर एक चीज़ और भी है, तुमको ये पता लगाना है कि ये सी करेक्टर जो है, ये सी जो तुम्हारा वेरिएबल है, ये तुम्हारा करेक्टर टाइप का ही है, ठीक है। तो एक तरीका होता है जिससे तुम पता लगा सकते हो टाइप ऑफ सी, चलो छोड़ो उसको, ठीक है। तो ये था तुम्हारा वेरिएबल्स को स्टोर कराने का तरीका। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि लेट सपोज अगर हम यहाँ पर किसी वेरिएबल्स में कुछ भी स्टोर ना कराएं, मान लो इस तरीके से लिख दें, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी अभी इस समय, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसकी वैल्यू इस समय क्या होगी, ठीक है, इस समय इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। लेट सपोज अगर हमने यहाँ पर इसको ये लिख दिया और यहाँ पर इसको स्टैटिक कर दिया। अब आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग जब रखे थे तो यहाँ पर अभी एरर क्यों आ रही थी, क्योंकि ये वेरिएबल है अभी लोकल वेरिएबल, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही ब्लॉक स्पेसिफिक वेरिएबल है ये, ठीक है। और लोकल वेरिएबल को हमें इनिशलाइज़ करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, ठीक है। अगर हम लोकल वेरिएबल को इनिशलाइज़ नहीं करेंगे और यूज़ पहले कर लेंगे तो एरर आ जाएगी। लेकिन अगर ये लोकल वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं, मान लो इस तरीके से, और आगे स्टैटिक लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको एक्सेस कहाँ से कर रहे हैं, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से कर रहे हैं, ये स्टैटिक एरिया है। स्टैटिक एरिया के अंदर से अगर हम किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं तो वो वेरिएबल स्टैटिक होना चाहिए, इसलिए स्टैटिक लगाया है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमेशा स्टैटिक वैल्यू पे पड़ता है जा करके, अप्लाई होता है मतलब, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ को अगर तुम ऊपर स्टोर कर दोगे, लेट सपोज यहाँ स्टोर कर दोगे, तुम ऊपर लिख दोगे, ठीक है, तो ये इन सब में डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो सारी वैल्यूज़ जो हैं स्टैटिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम इस सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कहाँ से कर रहे हो, स्टैटिक एरिया से कर रहे हो, इसलिए स्टैटिक होनी चाहिए। अब ये डबल जो है ये भी जो है तुम्हारा यहाँ पर स्टैटिक ही होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम एक एक चीज़ को प्रिंट करके देखोगे तो तुम्हें सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिख जाएगी। इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, करेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखो ये होती है, बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, फ्लोट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है, और डबल की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है वाइडनिंग या फिर इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम लोग ये समझने वाले हैं, अभी बाइट जो होता है वो तुम्हारा कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है, ठीक है। हमने ऊपर देखा था बाइट जो होता है 1 बाइट का होता है,
शॉर्ट जो होता है वो तुम्हारा 2 बाइट का होता है, ठीक है। करेक्टर जो होता है वो 2 बाइट का होता है, इंटीजर जो होता है 2 बाइट का होता है, लॉन्ग 4 बाइट का होता है, फ्लोट 8 बाइट का होता है, डबल भी 8 बाइट का होता है, सॉरी फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ डबल 8 बाइट फ्लोट, और लॉन्ग तुम्हारा 8 बाइट का होता है, जी लॉन्ग तुम्हारा 8 बाइट का होता है, लॉन्ग तुम्हारा 8 बाइट का होता है, फ्लोट तुम्हारा 4 बाइट का होता है, डबल तुम्हारा जो है वो तुम्हारा 4 बाइट का होता है, गलती हो रही है बार बार, डबल तुम्हारा 8 बाइट का होता है, ठीक है। तो बाइट जो होता है वो तुम्हारा 1 बाइट का होता है, शॉर्ट तुम्हारा 2 बाइट का, करेक्टर तुम्हारा 2 बाइट का, इंटीजर तुम्हारा 2 बाइट का, लॉन्ग 8 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन ये होता है कि कोई एक वेरिएबल जैसे कि छोटा है अगर वो, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा अपने से बड़े वाले में या फिर उसके बराबर वाले में। तो बाइट जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो सकता है करेक्टर में, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये होगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन, क्या होगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और अगर हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अगर वेरिएबल 10 है तो वो ऑटोमेटिक जो है अगर उसको तुम लॉन्ग वेरिएबल में स्टोर करोगे तो वो लॉन्ग का बन जाएगा, ठीक है। देखो समझो, यहाँ पर बताते हैं, लेट सपोज, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये तुम्हारा सारा डेटा जो था इसको हटा दिया पहले, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लेट सपोज हटा दी हैं, ठीक है। अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है तुमको वो दिखाते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। लेट सपोज अगर तुम्हारे पास एक इंटीजर ए इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, तो तुम ए को आसानी से, एक इंटीजर वाले डेटा टाइप को आसानी से लॉन्ग में स्टोर करा सकते हो क्योंकि वो उससे बड़ा है। तो यहाँ पर लॉन्ग एल इक्वल्स टू तुमने ए लिख दिया अगर, ठीक है, और लॉन्ग को जब प्रिंट करोगे तो वो तुम्हारा क्या हो गया, अब ये तुम्हारा लॉन्ग टाइप का हो गया वैल्यू, ठीक है। अब मतलब तुम्हारी जो 10 वैल्यू है वो आसानी से लॉन्ग में स्टोर हो गई है। तो ये होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाना। लेकिन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ये होता है कि लेट सपोज तुम्हारी कोई बड़ी वैल्यू, ये क्या है, स्मॉलर डेटा टाइप, ये क्या है, लार्जर डेटा टाइप, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन किस के बीच में होता है, स्मॉलर टू लार्जर, ठीक है। लेकिन अगर कह दे कोई तुमसे कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर दो, ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का जैसे कि नाम है, एक्सप्लिसिट मतलब तुम्हें करना पड़ेगा उसको, तो लार्जर टू स्मॉलर में होता है। अब लेट सपोज तुम्हारे पास कोई वैल्यू है लॉन्ग एल इक्वल्स टू 10, ठीक है, लॉन्ग एल इक्वल्स टू 10, क्या हो गया इशू, इधर तुम्हें एल लिखना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, लॉन्ग एल इक्वल्स टू 10 है ये, ठीक है। अब अगर ये एल को अगर तुमको आईएनटी में, इंटीजर में असाइन कराना है तो तुम कैसे करोगे, अभी तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगी, ये देखो, मतलब लॉन्ग वाले डेटा टाइप को इंटीजर वाले डेटा टाइप में हम असाइन नहीं करा पा रहे हैं ऐसे लिखने से। तो इसको तुम्हें एक्सप्लिसिटली कराना पड़ेगा, तुमको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि भाई इसको इंट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इनकन्वर्टेबल टाइप्स कैन नॉट कास्ट इंटू लॉन्ग टू इंट, तो क्या बोल रहा है, लॉन्ग टू इंट हम टाइप कास्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टू इंट हम टाइप कास्ट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि लेट सपोज एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, लेट सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर डबल डी इक्वल्स टू 4.5D था, ठीक है, 4.500 करके था। अब इसको तुम्हें अगर फ्लोट में असाइन कराना है, फ्लोट एफ इक्वल्स टू में असाइन कराना है, तो इस तरीके से तुम असाइन नहीं करा सकते हो अभी, तुम्हें इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा तब ये कन्वर्ट होगा जा करके, ठीक है।
तो डबल को अगर फ्लोट में असाइन कराना है तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से लॉन्ग को अगर इंटीजर में असाइन कराना है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग L1 इक्वल्स टू 10 है अगर, ठीक है, लॉन्ग L1 इक्वल्स टू 10 है अगर, 10 है अगर, और लेट सपोज तुमको इसको INT I में अगर असाइन कराना है L1 को, तो कैसे कराओगे? नहीं करा सकते ऐसे तुम। लॉन्ग को, लॉन्ग L1 को तुम इंटीजर में असाइन नहीं करा सकते। क्यों? लॉन्ग जो है बड़ी वैल्यू है, इंटीजर जो है छोटी वैल्यू है, ठीक है। लॉन्ग जो होता है वो तुम्हारा 8 बाइट का होता है, इंटीजर 2 बाइट का होता है, ठीक है। तो अब तुम जो है यहाँ पर इसको तुम्हें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा इस तरीके से, इस तरीके से। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन ये आया होगा कि यार डबल जो होता है वो 8 बाइट का होता है और फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का होता है, तो हमने डबल को फ्लोट में कैसे असाइन करवा लिया, डबल को फ्लोट में कैसे असाइन करवा लिया हमने, बताओ। डबल जो है वो तुम्हारा 8 बाइट का है, फ्लोट जो है वो तुम्हारा 4 बाइट का है, तो हमने इसको कैसे असाइन करवा लिया उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो, लॉन्ग तो जो होता है वो तो तुम्हारा 8 बाइट का होता है, इंटीजर तुम्हारा 2 बाइट का होता है, तो इंटीजर तुमने कन्वर्ट करा लिया। अच्छा, ये तो चलो ठीक हुआ, फ्लोट को अगर कन्वर्ट कराना लॉन्ग में तो कैसे होगा, ठीक है, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 8 बाइट को तुमने 4 में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट का है, लॉन्ग जो है वो 8 बाइट का है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ सीखी। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकती है कि लेट सपोज डबल जो है वो काफ़ी बड़ा होता है इस तरीके से, 433 डबल इस तरीके से होता है। अब अगर हम मान लो फ्लोट को प्रिंट कराएंगे तो क्या ये सारी की सारी वैल्यू कन्वर्ट कर पाया होगा? देखो नहीं कर पाया, आधी वैल्यू ही कन्वर्ट कर पाया, कहाँ तक, यहाँ तक कर पाया, इतनी खाली 334 तक का। क्यों? क्योंकि डबल जो होता है वो तुम्हारा 8 बाइट का होता है, फ्लोट तुम्हारा 4 बाइट का होता है, तो 4 बाइट के अंदर जितना ही आ पाएगा वैल्यू उतना ही वो असाइन करवाएगा, बाकी वैल्यू लॉस हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। तो ये होता है डिसएडवांटेज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का। अब इसके बाद बात आती है प्रमोशन ड्यूरिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेट सपोज इसको यहीं पर ही बता देते हैं, लेट सपोज ये तुम्हारा a इक्वल्स टू 34 है, ठीक है, और तुम्हारा एक वेरिएबल ये है डबल वेर, उसके अंदर 20 स्टोर है जो कि डबल टाइप का है। अब अगर a को डबल से प्लस करोगे, क्या करोगे, a को तुम जो है डबल डबल वाली वैल्यू से प्लस करोगे, a में क्या स्टोर है लेट सपोज 34, डबल वेयर में क्या स्टोर है लेट सपोज 20D, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर जो हो गया वो हो गया तुम्हारा 54, ठीक है। अब उसको तुम स्टोर कर रहे हो INT सम में, तो क्या वो स्टोर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 54 जो है वो तुम्हारा डबल टाइप का है, ठीक है, डबल टाइप का वो है, तो स्टोर वो नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीजर को काट के तुम्हें यहाँ डबल लिखना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है वो हम इधर समझाते हैं। लेट सपोज ये तुम्हारा, इधर इसको पहले कमेंट करो, लेट सपोज कि तुम्हारे पास ये INT AA इक्वल्स टू लेट सपोज 34 है, ठीक है, और इधर तुम्हारे पास है डबल वेर इक्वल्स टू 10 है, तुमने INT ANS इक्वल्स टू AA प्लस डबल वेर किया, तो क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि AA कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर, डबल वेर कौन सा वेरिएबल है, डबल, तो A इंटीजर प्लस डबल क्या होगा, हमेशा डबल होगा, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन सा है, डबल है। ये था इंटीजर, ये क्या तरीके का डेटा है, इंटीजर तरीके का डेटा है, ठीक है, ये किस तरीके का डेटा है, डबल तरीके का, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, डबल है, तो इसका मतलब जो सम वाला वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर होगा, मतलब यहाँ पर जो INS ANS वाला वेरिएबल है इसके अंदर क्या स्टोर होगा, तुम्हारा डबल वैल्यू स्टोर होगी, लेकिन ये इंटीजर में कैसे स्टोर होगी, हो नहीं सकता, ठीक है, डबल वैल्यू इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि इंटीजर होता है 2 बाइट का, डबल होता है 8 बाइट का, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डबल टाइप का बनाना पड़ेगा इस तरीके से, हमें इसको डबल टाइप का बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है।
तो ये था आज हम लोगों ने बात करी प्रिमिटिव वेरिएबल्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम। शाइनिंग आउट।